मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने पाटन पहुंचे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के नेता हथियार डाल चुके हैं, कहीं जाते भी हैं तो लोग उन्हें सुनने नहीं आते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा अरुण साव को सीएम प्रोजेक्ट करती है तो करे, कांग्रेस को भी इंतजार है कि भाजपा से कौन चेहरा है। छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट का कहीं कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ दो राष्ट्रीय दलों के बीच मुकाबला रहा है। देखिए, कुल मिला के शराब भी तो नशा हिस्सा है और उससे ज्यादा खतरनाक सूखा नशा है, तो यदि सभी नशा के खिलाफ यदि अभियान छोड़े और एक वातावरण बने तो शराबबंदी भी हो सकता है और नशा मुक्ति भी हो सकता है। तो नशा मुक्ति के अंदर में शराब भी है, गांजा भी है, पता नहीं और सूखा नशा क्या क्या और आते हैं वो भी है, गुड़ाखू है, तम्बाकू है, सिगरेट है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लो भला कर लो बात। अभी जितने भी आप यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से, महेंद्र कर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से, रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से, शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से, सांकरा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर, मेडिकल कॉलेज किसके नाम से, सरगुजा वहाँ जो राजमाता थी उसके नाम से, यहाँ बिसाहूदास महंत जी के नाम से, कोरबा में कितने नाम गिनाऊं मैं, एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है, बहुत तकलीफ है। कांग्रेस सरकार देखिए, प्रदेश के नेता हथियार डाल दिए, वो कहीं दौरा नहीं कर रहे हैं और जाते भी हैं तो भीड़ भी नहीं आती, न कार्यकर्ता जुटते, और इस कारण से वो माथुर सहित तमाम केंद्रीय नेता, अभी एक केंद्रीय मंत्री गए थे, वो कुछ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी छत्तीसगढ़।